नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर योगी सरकार के डिनर डिप्लोमेसी में शामिल हुए सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सुर एक बार फिर से बदल गए हैं और अब वो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की बात छोड़कर कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दर्जनों बार अपना पैतरा रंग तथा चोला बदल चुके सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर पलटे हैं। लखनऊ में एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर रात्रि भोज में शामिल उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी के साथ होने की बात कर रहे हैं। राजभर को इतने जल्दी जल्दी रंग बदलते हुए देख गिरगिट भी शर्मा गए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले सुभा सपा के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब बड़ा बयान दिया है। बलिया में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ। उन्होंने कहा कि ये सही बात है कि मैं एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के डिनर में गया था। द्रौपदी मुर्मू जी का मेरे पास फोन आया था, मुर्मू जी ने मिलने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा कि मैं तो राष्ट्रपति चुनाव में सपा के साथ हूँ, समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। अभी तो हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। सर, और एक और सवाल है जो अभी चल रहा है, बहुत काफी ट्रेंड में, राष्ट्रपति पद के लिए जो प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू है उनके यहाँ सर डिनर पे जाने का आपका कुछ सवाल उठा था। राजा भैया बता रहे थे कि आप वहाँ गए हैं और आपका कहना है कि मैं गया था। महामहिम राष्ट्रपति चुनने जा रही है, देश की सबसे निचली पायदान के जो देश की जाति व्यवस्था है, उनका फोन आया, उन्होंने इच्छा जाहिर किया मिलने की। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने कहा था कि उनके पिता सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी के डिनर पर सीएम की सरकारी आवास नहीं गए थे। इसके इतर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने ओम प्रकाश राजभर की मौजूदगी का दावा किया था। राजभर के बेटे अरविंद और अरुण राजभर ने पिता के डिनर में जाने से इनकार किया था। साथ ही दोनों बेटों ने कहा था कि 12 जुलाई को पार्टी तय करेगी कि किसको समर्थन दे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ रहने की घोषणा कर दी है। गिरगिट से भी तेज रंग बदलने वाले राजभर राष्ट्रपति चुनाव में किसको वोट देते हैं ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।